रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। सो आज मैं ऐसे ही रैंडम सा वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। मैं आज बताने वाली हूँ कैरेटिन एंड स्मूथनिंग के बारे में। तो स्मूथनिंग क्या होती है, कैरेटिन क्या होती है एंड कैरा स्मूथ क्या होता है, प्लस रिबॉन्डिंग क्या होती है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं नहीं बनाती थी अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया है क्योंकि मैंने 2 बार करवाया है कैरेटिन एंड स्मूथनिंग एंड कैरा स्मूथ। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इस बारे में। तो मैंने सोचा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग कैरेटिन एंड स्मूथनिंग में कन्फ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप सोचने वाले हो कैरेटिन एंड स्मूथनिंग करने के बारे में, तो मेरी ये वीडियो फुल देखना, पूरा एंड तक देखना। उसके बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स सारे मैं आपको बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगी कैरेटिन के बारे में। तो गाइस, कैरेटिन जो होता है वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है हमारे हेयर के लिए। जैसे हमको बोलते हैं ना, हमारे बॉडी को प्रोटीन ज़रूरी होता है, वैसे हमारे स्कैल्प को, हेयर को भी प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो हमारे जैसे स्कैल्प जो होते हैं, अभी अगर हमने कुछ नहीं करा है तो भी इतने रफ़ वगैरह, हम जब ट्रैवल वगैरह करते हैं तो बहुत फ्रीजी से हो जाते हैं, बहुत मैनेजेबल नहीं होते। तो अगर आप कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके हेयर को मतलब अच्छा से प्रोटीन मिल जाएगा और आपके जो हेयर रहेंगे बहुत अच्छे शाइन एंड स्मूथ लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि आप कैरेटिन करवा रहे हो और आपके बाल ऐसे स्ट्रेट ही रहेंगे, तो नहीं रहेंगे। वो आपके जो नेचुरल हेयर का टेक्सचर होगा वही होगा, लेकिन उसमें शाइन आ जाएगी, थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगा, जैसे आप हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट लगेगा, लेकिन आपके बाल आपको स्ट्रेट नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कर्ली है तो आपकी कर्ली रहेंगे, लेकिन वो जो बैलेंस होगा ना बाल का, जैसे स्प्लिटेंस होते हैं एंड ब्रेक होते हैं, वो चीज़ थोड़ा कम हो जाएगी, मतलब वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी अगर आप अच्छे सैलून से करवाते हो तो। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था इस फर्स्ट टाइम, तो मेरा बहुत बकवास एक्सपीरियंस था और उनको नॉलेज नहीं था। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल, तो जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हेयर को, कुछ सोच रहे हैं करवाने के लिए, तो बिगनर्स है जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया कर दूँ, चाहे हेयर कलर हो चाहे कुछ भी हो, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छे सैलून में जाए। फर्स्ट टाइम आप स्पेशली जा रहे हो, वैसे तो हर बार जाना चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आप अच्छी जगह जाइए, ताकि वो आपके हेयर चेक करके आपको अच्छा ट्रीटमेंट बता सके या अच्छी चीज़ बता सके कि आपके हेयर के लिए क्या ज़रूरी है। तो इस बात को हम साइड में रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मैं अभी कैरेटिन के बारे में बता रही हूँ। तो कैरेटिन हमको, हमारे हेयर को प्रोटीन देता है, और कैरेटिन से हमारे, कैरेटिन जैसे आपने कोई हेयर कलर ट्रीटमेंट करवाया है या आपने कोई स्ट्रेटनिंग करवाई है, तो आप वो, आप 6 मंथ या 8 मंथ या 9 मंथ के बाद आपको ये ट्रीटमेंट, आप कैरेटिन करवाते हो तो आपके हेयर काफ़ी अच्छे रहेंगे। क्योंकि स्ट्रेटनिंग करवाने में और काफ़ी हेयर ट्रीटमेंट करवाने में आपकी जो आयरन होती है, बाल बहुत बार आयरनिंग होते हैं जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, आपके जो हेयर है उसको बैलेंस करता है, जो कैरेटिन करते हैं ना वो हमारे हेयर को बैलेंस करता है। तो इसके लिए कैरेटिन होता है। और अब हम बात करेंगे स्मूथनिंग। स्मूथनिंग होती है गाइस ऐसी, जिसमें आपके जो हेयर होंगे वो एकदम स्ट्रेट होंगे और बिल्कुल भी मतलब ऐसे वेवी टाइप नहीं होंगे। अगर आपके कर्ली हेयर है, जैसे मेरे कर्ली हेयर थे, लेकिन अभी मैंने स्मूथनिंग, मैंने कैरा स्मूथ करवाया है, इससे पहले मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, तो आपके ऐसे स्ट्रेट होंगे। तो मेरा कैरा स्मूथनिंग क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्मूथनिंग बता देती हूँ। तो स्मूथनिंग का प्रोसेस ऐसे है कि आप स्मूथनिंग करवाते हो तो उसमें भी आयनिंग काफ़ी बार होता है और आपके बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। फर्स्ट आपको 2-3 मंथ्स में तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके बाल बहुत बहुत झड़ने लगेंगे, और ये आपको सलून वाले भी गाइड करते हैं और बताते हैं। और स्मूथिंग करते हो और या कैरेटिन करते हो तो उसके लिए आपको अलग से शैम्पू एंड कंडीशनर मेंटेन करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, जब तक 8-9 मंथ तो आपको करना ही पड़ेगा। और प्लस स्मूथनिंग आप करवाते हो तो आपको एवरी मंथ, अगर आपको अपना स्मूथनिंग कंटिन्यू रखना है कि
ऐसे ही प्रॉपर ही रहे तो आपको एवरी मंथ स्पा करवाना पड़ेगा। और जहाँ से आप करवाते हो ना हेयर का कुछ भी, हेयर केयर या कुछ भी करवाते हो ना, वहीं से जहाँ से आपने स्मूथनिंग करवाई हो या कैरेटिन करवाई हो वहीं से आप हेयर स्पा करवाइए, तो उनको पता रहता है कि आपके हेयर को अभी क्या रिक्वायर्ड है। क्योंकि स्पा भी जो होता है ना, सबको लगता है स्पा एक ही टाइप का होता है कि हाँ ठीक है ना, स्पा में कोई क्रीम लगा देंगे, हाँ ठीक है। ऐसे नहीं है, स्पा अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपके मतलब हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए अलग होता है, आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है डैंड्रफ के लिए अलग होता है, अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है उसके लिए अलग होता है, कैरेटिन करवाई है उसके लिए अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जिसके पास आप जाओगे, जिसने आपका हेयर का कुछ किया है ट्रीटमेंट या आपके नए लुक दिया है उसको पता होगा, तो उसी के पास जाइएगा। तो स्मूथनिंग सिर्फ इतना काम करता है कि आपके हेयर स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है गाइस, और आपके हेयर झड़ेंगे ही। आपको पहले ही बता देंगे आपको हेयर फॉल होगा ही इसमें, आपके ऐसे नहीं है कि हाँ आपका कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, तो ये होता ही है। और आप क्या है, ऑयलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वो ऑयलिंग अगर करना भी है तो सिर्फ स्कैल्प पे करना है, वो भी सब सैलून वाले रिकमेंड नहीं करते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वो रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे करो ताकि आपके स्कैल्प अच्छे हो और प्लस न्यू ग्रोथ अच्छे से हो, क्योंकि इसमें आपकी झड़ जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट मेरे बहुत झड़ चुके हैं क्योंकि मैंने ऑयलिंग नहीं किया। ऑयलिंग यहाँ नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर स्मूथनिंग चली जाएगी। यहाँ स्कैल्प में आप कर सकते हो। तो ये स्मूथनिंग होता है, स्मूथनिंग सिर्फ इतना ही काम करता है, कोई प्रोटीन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करता हमारे हेयर को, उल्टा डैमेज ही करता है सिर्फ। हाँ, आपका लुक बहुत अच्छा लगता है, ये बात मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ। और लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए गाइस, तो आप एक बार स्मूथनिंग करके भी देखिएगा। और दूसरा कैरा स्मूथ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कैरा स्मूथ में यह होता है कि आपको फर्स्ट आपको कैरेट जो होता है स्मूथनिंग करवानी होती है, देन कैरेटिन अप्लाई करना होता है। स्मूथनिंग करने के बाद अगर आप कैरेटिन करते हो ना, तो आपके जो बाल होते हैं ना वो मतलब जैसे स्मूथनिंग से बहुत काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो रफनेस आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बहुत रफनेस डलनेस थोड़ा लगने लगता है बाल। तो कैरेटिन आप उसके बाद करते हो ना, तो वो एक प्रोटेक्शन होता है आपके हेयर के लिए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो कैरा स्मूथ वो काम करता है, स्मूथनिंग देन कैरा मतलब कैरेटिन, तो कैरा स्मूथ बोला जाता है इसको। वो बहुत जिसके डैमेज हो चुके हैं काफ़ी बार, जिसने करवाई है स्मूथनिंग या कैरेटिन या उल्टा कुछ प्रोसेस करवाया है, जिसके हेयर डैमेज है उनको किया जाता है। जैसे मैं गई थी हेयर कलर करवाने के लिए, हाईलाइट करवाने के लिए गई थी, और प्लस मैं स्मूथनिंग करने गई थी क्योंकि मुझे स्ट्रेट ही हेयर चाहिए थे, क्योंकि मुझे अब अच्छे लगने लगे स्ट्रेट हेयर, मुझे कर्ली हेयर नहीं पसंद थे पहले से। तो मैंने सोचा कि मैं वापस से स्मूथनिंग करवाऊंगी, लेकिन उन्होंने जब मेरे हेयर देखे और वो हेयर का टेस्ट करते हैं, तो वो हेयर चेक करके उन्होंने ऐसे करके देखा तो मेरे हेयर बहुत वीक थे और वो टूट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें स्मूथनिंग सिर्फ करूँगी ना, तो वो और बीच बीच में से ब्रेक लूँगी आइनिंग के टाइम पर, और आपका हेयर मतलब उतना लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा नहीं, और मतलब बोलते हैं ना मैं पूरी आधे से ज़्यादा मतलब गंजी हो जाऊँगी, मतलब बाल ही नहीं बचेंगे, टकली हो जाऊँगी। उन्होंने बोला ऐसे आपके हो जाएंगे है, तो मैं बिल्कुल भी ना हाईलाइट कर सकती हूँ ना स्मूथनिंग कर सकती हूँ, मैं कैरा स्मूथ करती हूँ, पहले स्मूथनिंग करने के बाद कैरेटिन करूँगी, तो आपके हेयर अच्छे रहेंगे। और लिटरली उन्होंने जो किया है उसके बाद मैं सच में कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे अभी है हद तक, मतलब काफ़ी हद तक अच्छे है। नहीं तो मेरा जो इतना लॉन्ग हेयर था वो आधा पूरा डैमेज हो चुका था पूरा, मुझे हेयर कट भी करना पड़ा। तो कैरा स्मूथ ये होता है गाइस। और कभी भी आपको कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है कि पहले कैरेटिन होती है फिर देन स्मूथनिंग होगी, तो ऐसे नहीं होता, पहले स्मूथनिंग होती है फिर कैरेटिन होती है, तो प्रोसेस ऐसा होता है। आप सिर्फ कैरेटिन करवाते हो इट्स ओके, अगर आप सिर्फ स्मूथनिंग करवा रहे हो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको कोई सलून में, जैसे मेरे साथ हुआ कि एक पर्सन ने, मैंने बोला था कि मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो उन्होंने मेरा कैरेटिन कर दिया, फिर मैंने बोला कि ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब एक दो वॉश के बाद वो फिर वेवी हो गए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अब स्मूथनिंग करती हूँ। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैरेटिन के 8-9 महीने के बाद आप स्मूथनिंग कर सकते हो, मैंने तुरंत 1 मंथ में ही कर दिया, तो मेरे हेयर उसकी वजह से बहुत डैमेज हो गए थे। तो इस बात के लिए आप केयरफुल रहिए आपके हेयर डैमेज ना हो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी हो चुके थे, थैंक्स टू जो नया सलून मैंने सर्च किया जो बहुत अच्छा है, जहाँ से उन्होंने मेरे हेयर को मतलब बचाया है, लिटरली सेव किया है मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन स्मूथनिंग के लिए आप ये रेडी रहिए, जैसे अभी कैरा स्मूथ भी करवाया है तो उसमें हेयर फॉल बहुत हो रहा है,
है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें गाइड की है मुझे, जिससे मुझे हेयर नए हेयर आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, जो जा रहे हैं पर आ रहे हैं नए हेयर, तो इस बात के लिए मैं हैप्पी हूँ। क्या आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है गाइज, लेकिन आपका हेयर में गैप नहीं होना चाहिए और आपके हेयर ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है ना तो आपको दिक्कत होती है। हेयर फॉल हो रहा है इट्स ओके, उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप हेयर में काफ़ी सारे केमिकल यूज़ करते हो। जैसे आपने हेयर सेटिंग मतलब हेयर सेटिंग स्प्रे मार दिया, या फिर आपने कोई आयरन कर दिया, कर्ल कर दिया, तो आपके मतलब हेयर वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे। तो उस पर आप नाराज मत होइए, निराश मत होइए, सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, मेक श्योर कि आपके न्यू हेयर आ रहे हैं कि नहीं वो देखिए। देखिए मेरे आ रहे हैं और वो कर्ली ही आ रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है हेयर का। तो ये चीज़ है, तो एक अच्छा सैलून सर्च करिए। और रिबॉन्डिंग जो होती है ना वो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ। उसके लिए मैं कहूँगी वो बहुत ही क्रिस्टल तरह होता है, बहुत शाइन करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने एक्सपीरियंस उसका नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग, और वो अगर कोई कर रहा है ना, उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेयर है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप सैलून में जा रहे हो ना, अच्छे सैलून में अगर आप जाओगे ना, वो आपके हेयर देखकर आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। पहले आप खुद माइंड में सोचिए कि आपको क्या करवाना है, और फिर उसके बाद सैलून में जाइए, उनको बताइए कि मुझे ये करना है। तो उसका आपको कहा कैसे वो करके देंगे और क्या उसका प्रोसीजर है, क्या नहीं हो सकता है आपके हेयर में, वो सब गाइड करेंगे, अगर अच्छा सैलून होगा तो। अगर अच्छा सैलून नहीं होगा, अगर उनको सिर्फ अपना पैसा चार्ज करना होगा, तो आपको बोलेंगे ठीक है हाँ मैं ये कर देता हूँ, ठीक है मैं ये कर दूँगा। जैसे मैं गई थी, आप सोचो अगर आप हाईलाइट करवाते हो तो मिनिमम आपके 4,000-5,000 हो जाते हैं, और स्मूथनिंग करवाते हो तो उसके अलग से चार्ज हो जाते हैं लेंथ वाइज। मैंने ये दोनों करवाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों के लिए मना कर दिया। अगर वो सिर्फ पे मतलब अपना चार्ज लेने के लिए होते तो मुझे बोलते क्या नहीं आपको ठीक है हम कर देते, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपके हेयर पूरे पूरे चले जाएंगे, आपको हम कैरा स्मूथ करके देते हैं अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो। लेकिन आप अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आपको हाईलाइट करनी है, तो हाईलाइट के लिए अगर आपको आना है तो कम से कम आपको 1-1.5 साल रुकना पड़ेगा, उन्होंने मुझे ये भी बोला। तो मैंने बोला इट्स ओके, चलेगा, अच्छा गाइड तो किया उन्होंने मुझे। तो जहाँ मतलब मेरा चार्जेस तो ले दे के ज़्यादा ही हुआ, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हुई एंड ऑफ कि हाँ मुझे अच्छा मेरे हेयर को ट्रीटमेंट किया। हाँ इसका शैम्पू वगैरह बहुत कॉस्टली आता है, मैं मेंशन कर दूँगी। मैंने कैरा स्मूथ जो करवाया है उसके लिए कैरेटिन शैम्पू है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और ऑलरेडी मैंने उसका दिया हुआ है मतलब पूरा क्या है वो शैम्पू के बारे में पूरा नॉलेज दिया हुआ है, और कैसे वो वर्क करता है वो भी दिया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो देख चेक कर सकते हो। और दूसरा मैंने कैरेटिन जो स्मूथनिंग करवाई थी, स्मूथनिंग का भी एक्सटेंशन शैम्पू आता है, वो भी मैंने लॉरियल का बताया था। तो हर किसी का शैम्पू अलग अलग आता है, तो मैं जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपने करके आए हो तो आपको वही करना है, आपको सैलून वाले सजेस्ट करते हैं आपके हेयर के कंपैरिजन के हिसाब से कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा आप ले सकते हो। आपको ऑप्शन में हम दो बताएंगे, आपके ऊपर है कि आप कौन सा परचेस करना चाहते हो। और मैं तो यही कहूँगी गाइस, अगर आप कुछ करवा रहे हो ट्रीटमेंट, तो जैसे वो शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने बोल रहे हैं, अगर आपको आपने इतना पैसा खर्चा किया है तो थोड़ा पैसा और खर्चा करिए और वो चीज़ मतलब मेंटेन करने के लिए यूज़ करिए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है ना, करवा लेते हैं लेकिन फिर वो शैम्पू वगैरह कॉस्टली होता है गाइस, मैं समझ सकती हूँ, तो वो नहीं परचेस करते और फिर बाद में उनका जो भी स्मूथनिंग वगैरह करवाई है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उसको इतना पैसा आपने खर्चा कर दिया तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा और पैसा सही गाइस, या तो फिर आप मत करवाइए कुछ भी, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर नहीं करवा रहे हो हेयर को कुछ। हाँ अगर आप कैरेटिन करवाओगे तो बहुत अच्छा है। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए, मेरे कर्ली ठीक है, वेवी ठीक है, मेरे स्ट्रेट ही ठीक है, तो आप कैरेटिन ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए, क्योंकि जो हमारे हेयर को प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो हमारे खाने में नहीं आजकल मिलता है हमारे हेयर को, तो वो उस लिए दिया जाता है, तो आप वो चीज़ ट्राई करिए। तो गाइस कैरेटिन स्मूथनिंग और कैरा स्मूथ में ये डिफरेंस है, तो आप जब भी जा रहे हो तो ये चीज़ माइंड में रखिए कि आपको क्या करवाना है। और कोई भी आपको बोल रहा है कि फर्स्ट स्मूथनिंग करेंगे देन कैरेटिन, तो सही है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं पहले कैरेटिन होगा फिर स्मूथनिंग होगा, तो वो रॉन्ग सैलून है, वहाँ पर आप बिल्कुल भी मत करिए, वो आपके हेयर डैमेज कर देंगे पूरे, जैसे मेरे साथ हो चुका है गाइस।
तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।